नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना नवनीत रंगी आप सभी दर्शकों का नवनीत स्पोर्ट्स यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जहां दोस्तों आज हमारे साथ हरियाणा की उभरती हुई रेसलिंग की बहुत ही अच्छी खिलाड़ी हमारी छोटी बहन सारिका मलिक। तो सारिका जी, सबसे पहले आपको हमारा नमस्कार और साथ के साथ अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद। तो सारिका, बताइए आपने खेल की शुरुआत कब और कहाँ से की? मैंने रेसलिंग की शुरुआत 2016 के लास्ट में की थी। तब साक्षी दीदी ओलंपिक्स में मेडल लाई थी, यही सोच के कि आगे हम भी ओलंपिक्स में मेडल लेके आएंगे गोल्ड। तो आपकी फैमिली में कोई खेल खेलता था या फिर किसी और जो आपके मेंबर हैं तो उनसे खेल नहीं प्रेरणा मिली? वैसे मेरे जो परदादा जी हैं वो रेसलिंग के प्लेयर थे, पर वो इतने ज़्यादा फेमस नहीं थे। तो अब मैं चाहती हूँ कि मैं इतनी फेमस बनूं, उनके जो नहीं कर पाए वो मैं करके दिखाऊं, ओलंपिक में गोल्ड ला पाऊं। तो सारिका जी, आप ऐसे मेहनत करो, हम भी दुआ करते हैं कि आप ओलंपिक में गोल्ड लेके आओ। तो सारिका जी, आपके बेसिक कोच कौन है जिन्होंने आपको कुश्ती के दाव सिखाए हैं? मेरे कोच मिस्टर मनदीप सिंह हैं, वो बहुत अच्छे कोच हैं और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं हम सब। तो सारिका जी, हर एक खिलाड़ी का एक आइडियल प्लेयर होता है, तो आपके आइडियल प्लेयर कौन है? मेरे आइडियल प्लेयर योगेश्वर दत्त जी हैं। तो आप योगेश्वर दत्त को आइडियल क्यों मानते हो, उनमें ऐसी क्या खूबी है? वो एक ऐसे प्लेयर है जिनके अंदर इतनी ज़्यादा विल पावर है, जो 5 सर्जरी के बाद भी ओलंपिक में मेडल ला सकते हैं, जो अपने देश का नाम रोशन कर सकते हैं। तो उनसे यही प्रेरणा मिलती है कि अपने विल पावर कभी ना छोड़ो। तो सारिका जी, आपकी फैमिली से आपको कितना सपोर्ट मिला है? मुझे मेरी फैमिली का फुल सपोर्ट है, मेरे पेरेंट्स का फुल सपोर्ट है। तो सारिका जी, आपकी फैमिली से आपको काफ़ी सपोर्ट मिलता है, तो उसके साथ साथ आपके गांव से या फिर बाहर से कोई और सपोर्ट करता है? मुझे एक कंपनी ने स्पॉन्सर किया है, वेल्सपन ने मुझे स्पॉन्सर किया है। वो मेरी फाइनेंशियल हेल्प करते हैं हर तरह से, जिस तरह डाइटिशियन और फिजियोथेरेपिस्ट सब वो मुझे प्रोवाइड करते हैं। तो हम भी जो कंपनी के मेंबर हैं, हम उनको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जो कि हमारे भारत के जो उभरते हुए खिलाड़ी हैं, और ऐसे ही कंपनी इनको स्पॉन्सर देगी तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करेंगे, ताकि जो आने वाले खिलाड़ी हैं उनको भी काफ़ी मोटिवेशन मिलेगी, ताकि भारत का नाम रोशन हो सके। तो सारिका जी, आप 2016 से कुश्ती खेल रहे हो, तो उसके बाद ये अचीवमेंट क्या क्या है आपकी? मैं कई बार डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आ चुकी, कई बार स्टेट में पार्टिसिपेशन है, और एक बार थर्ड आई हूँ, एक बार फर्स्ट आई हूँ। अभी फ़िलहाल ही जनवरी में जो सब जूनियर नेशनल्स थे उनमें मैंने गोल्ड जीता है, और अभी जो खेलो इंडिया हैं उनमें सिलेक्शन है जो पंचकुला में होने वाले हैं। तो सरकार जी, आप ऐसे ही तैयारी करते रहो, अपनी मेहनत करते रहो, ताकि आप जो अब खेलो इंडिया होंगे उनमें आप अपने हरियाणा के लिए गोल्ड लेके आओ। हाँ जी बिल्कुल, थैंक यू। तो सारिका जी, जैसे आप जो हमारे देश की महिला पहलवान हैं, आप कौन से कभी मिलने का मौका मिला? हाँ जी, काफ़ी रेसलर से मुझे मिलने का मौका मिला है, जैसे साक्षी मलिक, बबीता फोगाट। तो जैसे आप साक्षी मलिक, बबीता फोगाट से मिली हो, तो आपको उनसे क्या सीखने को मिला है? पहले तो वो एक बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं रेसलिंग में, उन्होंने इंडिया को काफ़ी सारे मेडल्स दिए हैं, तो वो मेरे से सीनियर हैं, मैं उनकी काफ़ी रिस्पेक्ट करती हूँ। और तब भी वो मुझे मिलते हैं तो हमेशा एक बहुत फ्रेंडली नेचर से बात करते हैं, उनमें घमंड नहीं है बिल्कुल भी। तो जिस तरह वो मेडल जीत के लाए हैं, तो हमें भी यही उनको देख के एक प्रेरणा मिलती है कि जैसे ये मेडल जीत के लाए हैं हर सिचुएशन को फेस करके, वैसे हम भी हर सिचुएशन को फेस करके हम भी उनकी तरह मेडल लेकर आएँ। जी बिल्कुल जी सारिका। तो सारिका जी, आपकी एज क्या है? मैं 14 साल की। तो देखो सारिका जी, आपकी उम्र भी 14 साल है, तो साथ के साथ आप स्कूल में भी जाती होगी शायद? हाँ जी। तो आप स्कूल में जाती हो और इसके साथ भी साथ के साथ प्रैक्टिस करती हो, तो टाइम को कैसे मैनेज कर पाती हो? टाइम मैनेजमेंट तो जैसे मॉर्निंग में प्रैक्टिस पे जाते हैं 5:30 बजे, फिर उसके बाद 8:30 बजे घर आते हैं, फिर रेडी होके स्कूल जाते हैं। स्कूल में 2 पीरियड मिस करा रखे हैं, उसके बाद जिस तरह 11 बजे आप लगा लो स्कूल में पहुंच जाते हैं, 10-11 बजे। उसके बाद
3 बजे तक सर्दियों में, 2 बजे तक गर्मियों में स्कूल होता है, फिर 4:30 बजे हम दोबारा प्रैक्टिस पे जाते हैं, शाम को प्रैक्टिस करके 7:30 घर आते हैं, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं और जो बाकी स्टडी है वो करते हैं। तो बिल्कुल सरिका जी, आप ऐसी पढ़ाई पे भी ध्यान दो ताकि जैसे आप 12th करोगे और ग्रेजुएशन करोगे तो आपको जॉब में भी काफ़ी मौका मिलेगा। सरिका जी, आप ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हो और कोच साहब उस समय आपकी गलतियों पर कितना ध्यान देते हैं? सर, मेरी गलतियों पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं। कंपटीशन में कभी हम गलती करते हैं तो हमें स्पेशली बुला के बताते हैं कि आप बेटा, आपने यहाँ पर ये गलती करी है, आपको ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था, मतलब जो सही टेक्निक होती है वो बताते हैं, और उसके बाद भी वो पूरी तरह से उस गलती को सुधारने में हमारी मदद करते हैं। तो सरकार जी, आपको कभी इंजरी हुई है? जैसे खेल में खिलाड़ियों को इंजरी हो जाती है। हाँ जी, हुई है। तो आपको इंजरी हुई है, जैसे इंजरी होने के बाद खिलाड़ी डिमोटिवेट हो जाते हैं और डिमोटिवेट होने के कारण फिर खेल छोड़ देते हैं, तो आपको उस समय किसने मोटिवेट किया? मुझे सबसे ज़्यादा मोटिवेट मनदीप सर ने और मेरी फैमिली ने किया। तो सरिका जी, आपकी फेवरेट स्किल क्या है? आप जैसे खिलाड़ी को चित करने के लिए कौन सा दाव सबसे ज़्यादा लगाते हो? मैं सबसे ज़्यादा लेग अटैक पे फोकस करती हूँ। जैसे आपने आपका दाव बताया, तो आप इसके ऊपर कितनी मेहनत करते हो दिन में? ज़्यादातर तो हम मैट करते हैं, तो ज़्यादातर डबल लेग ही प्रैक्टिस करते हैं। तो सरिका जी, जैसे आप सब जूनियर में खेल रहे हो अभी, तो आपके लिए काफ़ी टाइम है कि आप सीनियर में आओगे, तो आपका टारगेट क्या है अपने देश के लिए, आप क्या करना चाहती हो? मैं अपने देश का नाम पूरे वर्ल्ड में रोशन करना चाहती हूँ। अभी तो जो शॉर्ट टर्म टारगेट्स हैं वो तो यही हैं कि जो अभी कमिंग टूर्नामेंट्स हैं उनमें गोल्ड जीतूँ, और जो लॉन्ग टर्म टारगेट है वो मेरा ओलंपिक्स में गोल्ड लाना है। तो सरिका जी, आप ऐसे ही मेहनत करो ताकि आप अपने देश के लिए ओलंपिक में मेडल लेके आओ। हम भी दुआ करते हैं कि आप अपने देश के लिए हर टूर्नामेंट में मेडल लाओ ताकि अपने माता पिता का, अपने गाँव का और अपने देश का भी नाम रोशन हो। तो सरिका जी, आप अंत में अपने जो भाई बहन हैं जो कुश्ती खेलते हैं या फिर कोई भी खेल खेलते हैं, तो आप उनको क्या संदेश देना चाहती हो? मैं उन्हें सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि जो भी हैं वो जो भी करना चाहें, अगर वो गेम कर रहे हैं तो गेम, अगर वो स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी, उसमें अपना बेस्ट दें। वो जो करना चाहते हैं उसको ये सोच के करें कि हमें इसके टॉप पर जाना है, मीडियोकर बन के नहीं रहना। तो सरिका जी, आपने अपने दर्शकों को और अपने भाई बहनों को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।